व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये हमारे बर्ड हैं, इनकी आज हमने प्रोग्रेस देखनी है, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। सर इनको अभी छल्ली वगैरह डाल देते हैं, पानी वगैरह चेंज कर दिया था, दाना भी दे दिया था। ये छल्ली थोड़ी सी दिखी रह रही है, इसको भी हम अंदर रहने देंगे। इसके अलावा हम इसके और भी छल्ली डाल देंगे इसे। माशाल्लाह ये सिट्टा खाता है तो अपने बच्चों को फीड कराता है माशाल्लाह। यानी कि अभी हम प्रोग्रेस देखते हैं बच्चों की क्या सूरत हाल है, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखिए, ये बच्चा बहुत ही जैसे कहते हैं बड़ा हो गया है। ये इसको निकाल के देखते हैं माशाल्लाह, सर्दी भी काफ़ी है माशाल्लाह। ये बच्चा है माशाल्लाह, इतना बड़ा हो गया है। इसको फीड भी मान है, इसको कराई हुई है माशाल्लाह। ये पोटा होता है, इससे देखते हैं भाई बच्चे को फीड हुई है नहीं हुई। ये आपको दिखाते हैं इधर रख के, ये भी फुल फीड जिसे कहते हैं कि मांग रहा है। ये पोटे की जो फीड होती है, ये बच्चे को पता चलता है कि बच्चे को फीड करवा रही है माँ ये नहीं करवा रही। ये छोटा सा बेबी है माशाल्लाह, इसको हम अभी अंदर रख देते हैं क्योंकि सर्दी भी है माशाल्लाह। अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाल रही है, तीन बच्चे थे इसके। वो देखें माशाल्लाह, ये ग्रीन फिशर पर बर्ड बैठा हुआ है। अब हम इनकी तरफ चलते हैं, शायद इन्होंने बच्चा निकाला हो क्योंकि दोनों ही अंदर हैं। चलें, ये आपसे मैं तार खोल के ना, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह जी, मैं तार खोली भी मैंने, तो ये डर के बाहर आ गया था। अब ये देखते हैं इसके, बच्चा निकला ही निकला माशाल्लाह, मुझे लग रहा है बच्चा निकल आया है। अब ये देखिए, बहुत ही जैसे कहते हैं ग्रसी मादी है ये वाली। वो बच्चा मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ, वो देखें फुल अग्रेसिव मादी है बच्चा माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। और माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, फुल येलो येलो वाइट वाइट सॉरी फुल वाइट इसके बाल हैं, कॉटन बिल्कुल। मैं आपको ना अंदर जाकर इसको दिखाता हूँ, मैं अंदर जाकर इसको दिखाता हूँ क्योंकि मादी बहुत ही अग्रेसिव है। ये देखें फुल मुँह खोल रही है, ये फुल काट सकती है, इसलिए इसको मैं अंदर जा कर आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये आप इसके नीचे बच्चा देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा मुझे लग रहा है बिल्कुल। ये देखिए आप, तो इसको भी सर्दी ना लगे इसलिए मैं भी बंद कर देता हूँ माशाल्लाह। ये इसे निकाला भी, हिल भी रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, इसको फुल प्यार कर रही है। अभी हम बंद कर देते हैं इसे माशाल्लाह। ये हमारा लटीनो पसनाटा और ये बनी ब्लू फिशरी, इसने भी बच्चा दे दिया है। बहुत ही टेंशन थी और ये बच्चा है माशाल्लाह। ये मेरा 23 दिन के बाद बच्चा बाहर आया अंडे में से। कुछ कुछ होते हैं वो बहुत ही ना परेशान हो जाते हैं कि जब 22 दिन के बाद 21 दिन के बाद बच्चा निकले ना, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए परेशानी की बात नहीं है, ये 22 दिन 23 दिन भी ले जाते हैं अंडे से निकालने के लिए। पता नहीं क्या चीज़ अभी इधर गई है, शायद नहीं चाचा कुछ चीज़ गिरी है यहाँ से ऊपर से, इसलिए डर गए बड़े। और ये थी माशाल्लाह, इसे हम अभी बंद कर देते हैं क्योंकि बच्चा है छोटा सा है, उसको सर्दी ना लगे। इनके आगे भी छली डाल देते हैं तो बच्चा माशाल्लाह बाहर आ गया। इनके आगे आज अंडा ब्रेड भी मैं अभी बनाऊंगा क्योंकि अंडा ब्रेड ख़त्म हो गया, अभी अंडा ब्रेड भी बनाएंगे माशाल्लाह। ये छली है, ये भी इसके अंदर हम इनको डाल देंगे क्योंकि ये खाते हैं तो माशाल्लाह अपने बच्चे को फ़ौरन जाके फीड कराते हैं। जब आपके बच्चे मतलब अंडे में से बाहर आ जाएं तो आप अपने बच्चे को सौ फूड डालना शुरू हो जाएँ, बेशक दाना की मकदार कम कर दें क्योंकि सौ फूड बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेस्ट चीज़ है। माशाल्लाह आज के मौसम भी ऐसा है कि परिंदे को ख़तरा होता है मरने का, तो इसलिए इनके ना कवर ज़रूर हो, इनके जो ऊपर वाला छत होती है ना, वो छत कवर होना ज़रूरी होती है। ठीक है, ये छत को कवर करना है माशाल्लाह। जैसे जिस तरह मैंने कवर किया, ये ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर छत है, ये देखें। ये मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, ये मैं बॉक्स लेके आया हूँ अभी, ये बच्चों को ना हैंड फीड कराने के लिए ना, एक बच्चे को हैंड टेम करने का मैं सोच रहा हूँ अभी। तो जब हम हैंड टेम करेंगे तो आपको बताएँगे भी माशाल्लाह। ये अभी इसको हमने ऊपर कवर कर दिया है और ये जो शीट है अपर की, इसको हम ऐसे चिका देंगे क्योंकि बच्चा बाहर आया हो ना, तो इस वजह से सर्दी से हवा चल रही है। आजकल मौसम भी ऐसा है, कभी हवा चलती है कभी धूप निकल आती है। और ये हमारे परिंदे हैं, ये भी अंदर जाकर अपने बच्चों को फीड वगैरह कराएं, इसको भी हम कवर कर देंगे।
ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपका प्यार मिल रहा है। मेरे सब्सक्राइबर 107 सब्सक्राइबर हो गया माशाल्लाह। बहुत ही आपने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही शौक हो रहा है। इंशाल्लाह न्यू बर्ड्स भी लेके आएंगे, उनके बच्चे भी आने वाले हैं माशाल्लाह। ये जिसने वीडियो नहीं देखी पिछली, वो जाके वीडियो वगैरह देखें, इनके अंडे वगैरह देखें, इन लोगों ने अंडे कैसे दिए, कब दिए, वो सारा फिर आपको उस हिसाब से पता चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।